और बढ़ते आगे, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक होगी। 15 जीआरजे कांग्रेस वॉर रूम में शाम 5 बजे होगी ये बैठक। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। चीफ ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा, प्रभारी रंधावा, सचिन पायलट, सीपी जोशी, सह प्रभारी अमृता धवन, वीरेंद्र राठौड़ और काजी निजामुद्दीन सहित कमेटी सदस्य रहेंगे इसमें मौजूद। शेष 105 सीटों को लेकर होगा आज बैठक में मंथन। संभवतया कांग्रेस की ये दूसरी और अंतिम स्क्रीनिंग होगी। 17 अक्टूबर की बैठक में 106 सीटों पर हुई थी चर्चा। पहली सूची के 3 पार्ट में अब तक 95 सीटों पर हो चुकी है घोषणा, लेकिन 11 सीटों को फिर से भेजा गया है स्क्रीनिंग में रिव्यू के लिए। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक होने वाली है जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज शाम 5 बजे बैठक होगी। पहली सूची में 3 पार्ट में नाम दिए गए थे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करते हैं हमारे संवाददाता निजाम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली से। निजाम, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, पहली सूची आ गई थी, उसके बाद में पहली सूची 3 पार्ट में आई थी जिसमें 95 सीटों पर घोषणा हो चुकी थी, लेकिन अभी 11 सीटों पर फिर से स्क्रीनिंग में रिव्यू के लिए भेजा गया है। सबसे पहले तो ताजा इस पर अपडेट क्या है वो जरा बता दीजिए। बेशक चंद्रशी, अगर बात करें तो देखिए, कांग्रेस के लिए टिकटों का एक तरह से फिर से एक मंथन का दौर जो अब शुरू हो जाएगा आज से ही। और अगर बात करें, इसमें छोटी छोटी बैठकों का जो दौर है पहले से ही जारी है। कल देर शाम जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, जो कि जोधपुर हाउस पहुंचे हैं कल देर रात, और उनसे गौरव गोगोई ने मुलाकात की है। देर रात कुछ और नेताओं के भी मिलने की खबर है, लेकिन आज सुबह से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर हाउस में मौजूद हैं और आज शाम 5 बजे जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के लिए गौरव गोगोई, जो कि कुछ दिनों की छुट्टियों पर थे, एक तरह से जो नवरात्र चल रहे थे उसमें थे, तो उनके आने के बाद उन्होंने सचिन पायलट से मुलाकात की, अलग अलग सभी से मुलाकात की है। आज भी जो है पीसीसी चीफ डोटासरा और जो प्रभारी रंधावा हैं उनसे आज मुलाकात होगी, और उसके बाद शाम को जो है 15 जीआरजी पे जो कांग्रेस का वार रूम है वहाँ पर जो है 5 बजे से बैठक होगी। इस बैठक से पहले कुछ ये भी सूत्र के बता पा रहे हैं कि जो आज करीब 10:30 बजे के आसपास जो है समय मांगा गया है सोनिया गांधी से मिलने का भी, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात भी हो सकती है, दूसरे नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली जो बैठक हुई थी स्क्रीनिंग कमेटी की, उसके बाद सीसी की जो बैठक हुई थी, उस सीसी की बैठक में कांग्रेस ने राजस्थान के लिए 200 में से 106 सीटों पे पूर्णतया मंथन किया था, और उसके बाद उसमें से जो 3 अलग अलग पार्ट में लिस्ट में से 95 सीटों पे प्रत्याशियों की घोषणा करी, लेकिन 11 सीटों पे घोषणा नहीं हो पाई। कई कारण है इसमें, अलग अलग चीजें कारण है, अलग अलग सीटों पे कई प्रभाव है। लेकिन निजाम, यहाँ पर इतना समय कांग्रेस को लग रहा है, हमने देखा है कि कई बार ये देखा गया है जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरीके के मंथन होते हैं, लेकिन देखिए सामने वाली जो पार्टी है उसने तो अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए, इसका मतलब वो उनसे कई गुना कदम आगे बढ़ चुकी है। यहाँ पे कांग्रेस को इतना समय लग रहा है, इतना मंथन क्यों किया जा रहा है? क्या पहले से उनके पास में कोई रोडमैप नहीं था? क्या पहले से उनके पास में कोई ऐसे नाम कोई दिमाग में नहीं थे जिनको लेकर वो बिल्कुल पुख्ता हो कि जी हाँ, जब हमने पहली सूची आने का इंतजार कर रहे थे, जब पहली सूची आ रही थी तब भी देखा गया था कि राहुल गांधी और खड़गे जो है वो नामों को लेकर बहुत ज्यादा उनमें मंथन हो रहा था, किसको देना है किसको नहीं देना है, तो क्या फूक फूक कर कदम इस बार कांग्रेस रख रही है? चंद्रशी, देखिए कि बहुत ज्यादा इसके प्रभाव जो है पास्ट में होते हैं। कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात करें दोनों की तरफ, तो बीजेपी इसलिए भी एक कदम आगे बढ़ गई कि क्योंकि बीजेपी के पास वक्त था, वो विपक्ष में थी, और साथ ही विपक्ष में होने के साथ साथ उसके पास संगठन का जो है वो उसके पास संगठन को मजबूत करने का मौका था। और दूसरा भी देखिए कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, यानी कि कांग्रेस से ज़्यादा जो कैडर है उसका मजबूत है, कुछ सालों में बढ़ा है, और इसके साथ ही जो जमीनी लेवल पर उनका प्रयास है वो करीब 1 साल से 1.5 साल से पहले से है। दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में देखिए कि पिछले 2.5 साल से, अगर कहें कि सरकार के अंतिम जो 2.5 साल तो हैं जो कांग्रेस पायलट और गहलोत खेमे के बीच अदावत के बीच ही निकले हैं, 26 मई को दोनों के बीच सुलह हुई है, सुलह होने के बाद समझौते हुए हैं। और दूसरी बात अगर आप देखें तो पिछले 2.5 साल से जो है संगठन में नियुक्तियां ना के बराबर थी। इसके बाद अगर बात करें तो जिस तरीके से पहले कवायद की गई
स्क्रीनिंग कमेटी और सभी लोगों ने जो जमीनी लेवल पे जाके डाटा जुटाए, प्रभारी रंधावा और सह प्रभारियों की जो टीम थी उन्होंने काम किया, तो सितंबर के तीसरे वीक में राहुल गांधी के एक बयान ने सबके सब कुछ पे जो एक तरह से नए सिरे से पे करने पे मजबूर कर दिया। जब राहुल गांधी ने कहा कि हम तीन राज्यों में आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में 50-50 का माहौल होता है, वो बेहद मजबूत होना चाहिए, उसी की वजह से अगर ये मजबूत नहीं होगा, संगठन मजबूत नहीं होगा, तो इसी तरीके की परेशानियां आती रहेंगी। देखिए विधानसभा चुनाव देखा जाए तो 2003 का वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, अगर यहां पर 2003 में पकड़ मजबूत होती है किसी पार्टी की तो आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी जीत के वो कुछ ही कदम दूर होंगे। लेकिन यहां पर देखा जाता है कि जिस तरीके से सचिन पायलट, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बीच में जो तनातनी चल रही थी उसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ा, उसके बाद में अब देकर बड़ी मुश्किल से आलाकमान ने उनमें सुलह करवाई, वो भी सिर्फ चुनाव के लिए, लेकिन अब देखा जा रहा है कि उसका खामियाजा भी, इसको लेकर अभी फिलहाल उसमें देरी क्यों रही, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो चीजें सामने आ रही है कांग्रेस के लिए बाधा बनती जा रही है। आने वाले समय में कांग्रेस को इससे कितना और जूझना पड़ सकता है निजाम? बेशक देखिए चंद्रशी, अगर जिस तरीके से कांग्रेस में जो देरी है उसका खामियाजे भी है और कई चीज़ें कई बार रणनीति भी होती है। खामियाजा इस कदर कि कई सीटों पे अंतिम समय में प्रत्याशी तय होने के बाद अगर देखें कि उनके पास समय कितना रह जाएगा, अगर आज की बारी तारीख की बात करें तो 25 नवंबर के हिसाब से इनके पास केवल 27 दिन का समय है। अगर आज बैठक होगी 31 तारीख को जैसा कि प्रस्तावित माना जा रहा है सीसी होगी तो भी 25 दिन का समय होगा इनके पास, कई लोगों के पास, जो कि एक बहुत कमजोर पक्ष माना जाता है। राजस्थान में कांग्रेस के लिए हर बार यही स्थिति होती है और उनको ये बड़े स्तर पर जो नुकसान भी रहना पड़ता है, लेकिन जब कांग्रेस विपक्ष में होती है तब उसको टिकट बंटवारे में ज्यादा मुश्किल नहीं आती है और ये कारण भी रहता है। लेकिन दूसरी चीज ये देखिए कि अब जिस तरीके से अब टिकट में देरी होगी और दूसरी तरीके से जो खेमेबंदी है जो कह सकते हैं पायलट और गहलोत के बीच में जो रही और उन सब चीजों में, और जिस तरीके से इसमें पहले राहुल गांधी का बयान और राहुल गांधी के बयान के बाद परिस्थितियां बदली है, सीसी के दौरान बहुत सारी बातें कही गई थी कि राहुल गांधी की टीम करेगी, सर्वे के रिपोर्ट है, ये रिपोर्टें हैं, सभी हैं, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से जो लिस्ट जारी हुई है अब तक तीन, उनमें सीधे तौर पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छाप रही, सचिन पायलट के केवल 10 टिकट उसमें आए हैं। अगर उन सबकी बातों में भी माना जाए तो स्थानीय जो टिकट जितने भी एमएलए थे उनमें से 70-80% के बीच टिकट जो है मिल चुके हैं, उन्हीं को दो रिपीट किया गया है, बहुत कम जो सीटें थी उन पे जो कह सकते हैं बदलाव किया गया, मुश्किल से 7 सीटों पे जो 70 में से 7 विधायक को बदला गया है, इसी तरह से कि केवल 11 सीटें जो हैं उन पे नए दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि किस तरीके से जो अंतिम समय में चीजें बदल जाती हैं, देखने को मिल रहा है यहाँ पर खींचतान बहुत हो रही है, समय ज्यादा लग रहा है, चुनाव बिल्कुल सर पर है, यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से आगे जाती हुई नजर आ रही है, कई सारी चीजें हमने देखी यहाँ पर। लेकिन ये जो फिर से एक बार स्क्रीनिंग के लिए जो ये 11 सीटों को फिर से भेजा गया है स्क्रीनिंग में रिव्यू के लिए, वो बेहद उसको देखा जा रहा है, अहम माना जा रहा है, तो क्या लगता है ये आखिरी ही मीटिंग होगी, आखिरी ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी या इसके बाद भी एक और बैठक हो सकती है, क्या इसके भी कोई कुछ सामने निकल कर आ रहा है? बेशक नहीं चंद्रशी, साफ तौर पे ये अंतिम स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, आखिरी और दूसरी जो है, और इस स्क्रीनिंग कमेटी के बाद सारे जो 105 सीटों पे जो हैं पूरी तरह से पैनल बना के फिर से, जो कि 11 सीटें रिव्यू के लिए आई उनको भी शामिल करते हुए, और 94 सीटें जो पहले से पेंडिंग हैं, दोनों को मिला के जो हैं सिंगल कह सकते हैं पैनल तैयार करके ये सीसी के सामने भेज दिया जाएगा, और सीसी क्या फाइनल करती है ये तो तय है, लेकिन इसके बाद ही है कि स्क्रीनिंग वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, मुश्किल से 9 दिन बचे हैं नामांकन, 6 तारीख को आखिरी नामांकन है, अगर आज का दिन भी निकाल दिया जाए तो केवल 7 दिन का मतलब अगर देखा जाए तो 7 दिन का वक्त रहेगा। अब दोबारा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक नहीं संभव नहीं है, तो आज ही जो करना है पूरी तरह से आज फाइनल करना है, और आज ही करीब कह सकते हैं कि 5 बजे से रात को 10 बजे या 12 बजे ये फाइनल करके उठेंगे और इसके बाद सीसी जो है जारी कर देगी। लेकिन ये भी साफ तौर पे है कि कांग्रेस जो है फिर से इसी तरीके से अपनाएगी कि अगली जो लिस्टें हैं वो फिर से टुकड़ों में जारी करेगी, और ये भी हो सकता है कि नामांकन के अंतिम तारीख तक ये सीटों का जो है घोषणा करते रहे। बिल्कुल निजाम, यहाँ पर दोनों ही प्रमुख जो दल जो हैं वो इस पर तो दोनों खेल रहे हैं कि जिताऊ उम्मीदवारों पर वो दाव तो लगा ही रहे हैं, साथ ही जिनके खिलाफ जमीन पर पॉजिटिव फीडबैक नहीं है उनको लेकर भी खास तौर पर मंथन किया जा रहा है यहाँ पर, ये बहुत ही गंभीर सोच के साथ में, बेहद ही मजबूत पकड़ के साथ में कि उन्हीं के प्रत्याशी जो है वो आगे का रोड मैप तय करने में उनकी मदद करेंगे, इसलिए यहाँ पर दोनों ही पार्टियां बड़ी ही सोच विचार और गंभीर मंथन के बाद में अपने उम्मीदवारों को उतार रही है।
बेशक देखिए, अभी अगर जिस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस के लिए स्थिति इसलिए भी थोड़ी सी बेहद कह सकते हैं कि मेहनत वाली हो जाती है कि 7 मंत्रियों को टिकट दिया जाना बाकी है। एक मंत्री जायदा खान है जिनके समर्थक और विरोधी जो हैं कांग्रेस को परेशान कर रखा है कि उनके हाईकम जो कांग्रेस मुख्यालय है वहाँ पर दिन रात वो जुटे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और समर्थन में भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर घोषित तो हो गए लेकिन उनके विरोध भी है, लेकिन बीजेपी की अपेक्षा कांग्रेस में फिलहाल जो सीटें जारी हुई है उस पर जो विरोध है वो कम सामने आया। लेकिन इसके अलावा भी बेहद महत्वपूर्ण बात है कि जो सीटें जिन पर विरोध बगावत और जिन पर बहुत ज़्यादा कश्मकश हैं वो सीटें अब सामने आएगी। जिन सीटों पर लगातार कह सकते हैं कि देखिए कि गृह जिला है जोधपुर अगर कहें तो मुख्यमंत्री का, लेकिन पाली जालौर सिरोही की देखिए स्थिति तो उसमें अभी तक 25% सीटें भी ऐलान नहीं कर पाए, यानी कि दबाव तो है। इस तरफ दूसरी तरफ अगर देखेंगे अलवर हैं, भंवर जितेंद्र सिंह हैं, लेकिन उनके भी जिले की जो सीटें हैं अभी तक पूरी सीटें तो छोड़िए आधी सीटें भी घोषित नहीं कर पाएंगे। तो दबाव तो ही है क्योंकि इधर भंवर जितेंद्र सिंह भी चाहते होंगे कि उनका प्रभुत्व बना रहे। दूसरी तरफ कई बार ऐसा होता है कांग्रेस के जो नेता होते हैं उनकी भी सिफारिशें होती है, कुछ अपने भी व्यक्तिगत होते हैं, इन सारी चीज़ों में के साथ AICC का खुद के 20 से 25 सीटें होती ही होती हैं जो उनके ऊपर से आती है, जो कह सकते हैं पर्दे के पीछे फाइनेंशियल रूप से या दूसरी तरीके से भी होती है समर्थन। ये एक 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 लंबा प्रोसेस है जिसमें इनका ठीक है निज़ाम आपके पीछे दिख रहे हैं कुछ लोग, क्या टिकट के उम्मीदवार के लोग वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पर पहुँचे हैं अगर आप दिखा सके तो? देखिए बिल्कुल, जैसे हम जोधपुर हाउस पे मौजूद हैं और चूंकि जैसे कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार 2 बार कहते रहे हैं कि एयरपोर्ट पे भी कहा कि यहाँ नहीं आना चाहिए, फिर भी जैसे आप मेरे सहयोगी दिखाएंगे कि यहाँ पे जो है यहाँ मौजूदगी रहती है, इवन कि कल बहुत कुछ कहने के बावजूद भी और उनको फटकार लगाने के बावजूद भी सबको कहा है, कल एयरपोर्ट पर भी लोग पहुँचे थे, यहाँ पर भी अगर 2 दर्जन से ज़्यादा जो लोग हैं अभी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन चूंकि आज उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अधिकारियों की तरफ से साफ कह दिया गया है कि आज वो किसी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके आज कुछ जो प्रोग्राम है संभवतः माना जा रहा है कि उन्होंने दिग्गज नेताओं से पार्टी नेताओं से मुलाकात के लिए समय मांगा है। फिलहाल अभी कुछ भी तय नहीं है, प्रस्तावित नहीं है या किस तरह की जानकारी बाहर नहीं आई है, लेकिन ये जरूर है कि शाम को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले कुछ बैठकें हो सकती है। तो निज़ाम बैठक के बाद क्या इन्हें मिलने दिया जाएगा उन लोगों से कि नहीं? देखिए कल देर रात को जरूर जो है मुख्यमंत्री जब एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचे थे तो जोधपुर हाउस के बाहर उन्होंने लगभग करीब 3 से 4 दर्जन काफ़ी लोग मौजूद थे जो प्रत्याशी हैं, जो माफ़ कीजिएगा जो दावेदारी जता रहे हैं उम्मीदवारी जता रहे हैं वो लोग पहुँचे थे, उनसे मुलाकात की। लेकिन उन्होंने उसी समय स्पष्ट भी कहा है कि आप लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, यानी वो लगातार संकेत करते। उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में भी एक तरह से जिस तरह पिछली बार उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि आप लोगों को यहाँ नहीं रहना, फील्ड में जाइए, बाकी हमारा जो काम है हम कर रहे हैं। लेकिन ये सभी बातें हैं, लेकिन जो उम्मीदवार होते हैं वो आखिरी उम्मीद तक आखिरी वक्त तक उम्मीद लगाए रहता है कि क्या पता उसका कहीं कट नहीं जाए। कांग्रेस में क्या सभी दलों में ये होता है कि आखिरी मोमेंट में भी कई बार टिकट कट जाते हैं, कई परिस्थितियां होती है, कई चीज़ें होती है, लेकिन पार्टी के ऊपर भी एक दबाव होता है कि कई बार टिकट दिए जाने के बावजूद भी मना कर देते हैं। जैसे कि आप देखिए इमाराम चौधरी ने जिस तरीके से लेटर लिखा, उम्मीदवारों की यही आस रहती है कि उन्हें टिकट मिले, लेकिन कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, कि टिकट मिलने के बाद भी उनका टिकट कट जाता है, तो ये देखने वाली चीजें होती है। लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण है ये चुनाव निजाम इस बार का, और पार्टी जिस तरीके से गंभीर मंथन कर रही है उसके बाद लगता है कि शायद इस बार जो है दोनों पार्टियों में गजब की टक्कर देखने को मिल सकती है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया निजाम आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।